अक्षय कुमार की भूत बंगला की कहानी हमारे वेदों और महाभारत से इंस्पायर्ड रहने वाली है, जिसमें काले जादू को मिक्स कर दिया गया है। एक ऐसा मनहूस काला तांत्रिक जो लोगों को डराता नहीं बल्कि हंसाता है। 5 minutes later. अक्षय कुमार के लिए साल 2024 भले ही फ्लॉप साबित हुआ हो, लेकिन 2025 अक्षय कुमार के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि अब अक्षय कुमार ने भयानक भयानक फिल्में साइन कर ली हैं, जिनमें भूत बंगला, स्त्री 3, आवारा पागल दीवाना 2 जैसी खतरनाक टोटल 16 फिल्में शामिल हैं। इन सभी 16 फिल्मों में ज़्यादातर फिल्में पुरानी हिट फिल्मों की सीक्वल है, जिनका पब्लिक बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं 3 से 4 फिल्मों में अक्षय कुमार प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर नजर आने वाली है। ये जोड़ी इससे पहले दे दनादन, खट्टा मीठा, भागम भाग, गरम मसाला, हेरा फेरी जैसी कई आइकॉनिक फिल्में बॉलीवुड को दे चुकी है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नए नए फिल्मों के अपडेट्स आपको समय टू समय मिलते रहने चाहिए। नंबर 16 पर है राउडी राठौड़ 2। जी हाँ, ये फिल्म तो आपको याद होगी ही। विक्रम राठौड़ का दौर फिर से आने वाला है। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। इसका पिछला पार्ट 2012 में आया था, जिसे प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। इस बार पार्ट 2 को साउथ के डायरेक्टर पा रंजित डायरेक्ट करने वाले हैं। वहीं प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म से छुट्टी कर दी गई है। अक्षय कुमार के साथ इस बार सोनाक्षी नहीं बल्कि कियारा आडवाणी नजर आने वाली है। दिसंबर 2024 में ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है। Don't angry me. नंबर 15 पर है भूत बंगला। जी हाँ, अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन बना रहे हैं। इस फिल्म को अभी से पब्लिक ने हिट का टैग दे दिया है, यानी पुराना अक्षय कुमार फिर से लौट रहा है। लोगों को यकीन है कि ये फिल्म खिलाड़ी कुमार के दिन वापस लौटा देगी। इस फिल्म में फिर से आइकॉनिक तिकड़ी नजर आएगी, यानी फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी जैसे और भी कई एक्टर साइन हो चुके हैं। भूत बंगला फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वही एक्टर नजर आएंगे जिन्हें कॉमेडी का सरताज माना जाता है। अक्षय कुमार की भूत बंगला की कहानी हमारे वेदों और महाभारत से इंस्पायर्ड रहने वाली है, जिसमें काले जादू को मिक्स कर दिया गया है। एक ऐसा मनहूस काला तांत्रिक जो लोगों को डराता नहीं बल्कि हंसाता है। ये एक मज़ेदार फिल्म रहने वाली है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की ये फिल्म एक नया एक्सपेरिमेंट है। इस तरह की फिल्म अभी तक बॉलीवुड में बनी ही नहीं है। इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही है। वैसे आप इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं, कमेंट में यस और नो जरूर टाइप कर दीजिएगा। नंबर 14 पर है आवारा पागल दीवाना 2। जी हाँ, साल 2002 में आई आइकॉनिक आवारा पागल दीवाना फिल्म, जिसे विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था, इस बार इसके सीक्वल को अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। विक्रम भट्ट की एक और फिल्म कसूर का भी सीक्वल बन रहा है, जिसमें पुरानी कास्ट के अलावा उर्वशी रौतेला और जस्सी गिल भी नजर आने वाले हैं। आवारा पागल दीवाना 2 में इस बार संजय दत्त और अरशद वारसी की भी एंट्री हो चुकी है। वहीं पुरानी कास्टिंग पूरी तरह से रिपीट होने वाली है। साल 2023 से इस फिल्म पर काम चालू है। नंबर 13 पर है ओ माई गॉड 3। पहली फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल नजर आए थे। ओ माई गॉड 2 में पंकज त्रिपाठी थे। वहीं तीसरे पार्ट में वापस परेश रावल की एंट्री हो गई है। वेलकम 3 के रिलीज के बाद इस फिल्म को फ्लोर पर लाया जा रहा है। सिर्फ नाम नहीं, हम भी जानते हैं क्या सही है क्या गलत। नंबर 12 पर है स्त्री 3। जी हाँ, स्त्री के तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार का विलन का रोल रहने वाला है। स्त्री 2 में अक्षय कुमार ने सरकटे के वंशज का रोल निभाया है। अब तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार और स्त्री में घमासान लड़ाई दिखाई जाएगी, लेकिन इस फिल्म को आने में समय लगने वाला है। ये फिल्म 2025 के लास्ट तक रिलीज की जाएगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। नंबर 11 पर है क्रैक। नीरज पांडे ने अक्षय कुमार के साथ काफी समय पहले क्रैक फिल्म अनाउंस करी थी, जिसे अभी तक होल्ड पर डाला हुआ था। फिलहाल नीरज पांडे अजय देवगन के साथ चाणक्य बनाने में व्यस्त हैं। उसके बाद क्रैक फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। नंबर 10 पर है साइको।
ये एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार साइकोटिक का रोल कर रहे हैं। मोहित सूरी इसके डायरेक्टर हैं, वहीं रोहित शेट्टी इसके प्रोड्यूसर हैं। हालांकि मोहित सूरी और रोहित शेट्टी में तालमेल नहीं बैठने की वजह से फिल्म को डिले किया जा रहा है। साथ जी चुकी हो सकता है कसार और जी या फिर कल मर जाओ। नंबर 9 पर है कनप्पा। ये एक फैंटेसी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म की कहानी भगवान शिव के भक्त कनप्पा पर आधारित है। अक्षय कुमार के अलावा विष्णु मंचू भी लीड रोल यानी कनप्पा के रोल में दिखेंगे। फिल्म में प्रभास, मोहनलाल, प्रभुदेवा, काजल अग्रवाल जैसे एक्टर भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिसंबर में पैन इंडिया रिलीज की जा रही है। नंबर 8 पर है हाउसफुल 5। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है जो 6 जून को रिलीज की जाएगी। संजय दत्त और फरदीन खान की एंट्री इस फिल्म में हो चुकी है, वहीं पुरानी स्टार कास्ट फिल्म के साथ कंटिन्यू है। अगले साल 6 जून को यह फिल्म रिलीज की जाएगी। इसे कहते हैं हैप्पी एंड। नंबर 7 पर है जोली एलएलबी 3। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हुए इस फिल्म में नजर आएगी। सुभाष कपूर के डायरेक्शन वाली ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। नंबर 6 पर है संकरा। संकरन नायर पर बेस्ड इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा आर माधवन और अनन्या पांडे भी नजर आने वाले हैं। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश राज के खिलाफ जिस वकील ने लड़ाई लड़ी थी वही है संकरन नायर। नंबर 5 पर है हेरा फेरी 3। हेरा फेरी के तीसरे पार्ट में इस बार संजय दत्त की एंट्री हो चुकी है जो तोतला सेठ की तरह हथियारों की सप्लाई करेगा। संजय दत्त का रोल फिल्म में रवि किशन के बड़े भाई का रहने वाला है जिसके चंगुल में राजू श्याम और बाबूराव फंस जाते हैं। फरहाद सामजी इसके डायरेक्टर हैं। पढ़ा लिख रही है भाई, पढ़ा हुआ लुक है, चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आ गया मेरा नंबर 1 चोर। नंबर 4 पर है स्काई फोर्स। एयर स्ट्राइक पर आधारित फिल्म स्काई फोर्स में सारा अली खान और निमरत कौर लीड रोल में है। इस फिल्म को अब 24 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है वेलकम टू द जंगल। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में इस बार 20 से ज्यादा स्टार एक साथ नजर आने वाले हैं। इसे अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट 20 दिसंबर फाइनल की हुई है। नंबर 2 पर है वेदत मराठे वीर दौड़े 7। ये एक मराठी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक कैमियो रोल निभाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आ रहे हैं। बजट की कमी की वजह से ये फिल्म सिर्फ 50% ही शूट हो पाई है। नंबर 1 पर है सिंघम अगेन। रोहित शेट्टी की इस फिल्म में भी अक्षय कुमार कैमियो रोल में ही नजर आएंगे जो दिवाली पर रिलीज हो रही है। ये टोटल 16 फिल्में हैं जिनसे अक्षय कुमार कमबैक करेंगे। आप अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म का वेट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।